6 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करें वह आरक ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन किया है कोई बोर्ड है जो एक गांव जो है दूसरे गांव जो है तो इल्ले गांव जब ताल के आवा ऊपर एक बोर्ड लागे हो है तो बोर्ड के ऊपर लिखे हो कितना है 18 सेमी। ठीक है, कितना लिखे है 18 सेमी, लेकिन वास्तव में दूरी कितनी है बा 6 किलोमीटर की, कितनी है 6 किलोमीटर की, यानी इल्ले गांव चल गया हूं इल्ले गांव में नहीं वास्तव में दूरी है 6 किलोमीटर की, लेकिन दर्शा रखी है बोर्ड के ऊपर कितनी 18 सेमी। ठीक है, अब इन आरक ज्ञात करना विधेय के गति के रखे है आरक ज्ञात करना तो आरक बराबर क्या हुआ रैंक पर दूरी और वास्तव बटा वास्तविक दूरी। तो ड्राइंग पर दूरी कितनी है हमने 18 सेमी बटा वास्तविक दूरी कितनी है 6 किलोमीटर के किलोमीटर में सेमी चेंज करा तो एक के बाद कितने दे दो 5 दे दो आर कितना लिख दे दो सेती है खाना प्रदर्शित करना कितना
क्या अनुपात है? अच्छा एक रेखा डालाना कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर जो किरण प्रदर्शित करेगी किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर का कितना पक्ष हो रहा है? 7 हो रहे हैं। ये रेखा का 7 भाग बराबर कराने की लंबाई ले लेना ज्योमेट्री की, या 7 भाग करना तो 7 सेमी ले लेना, तो 7 सेमी लेके प्रत्येक एक एक सेमी को भाग कर देना और ऊपर का जो पॉइंट आ रहेगा मिलान कर देना। प्रत्येक ऊपरों भाग है मिलान कर दिया हूँ। 30 डिग्री वाली रेखा कैसे ने प्रदर्शित करी है किलोमीटर में? अब किलोमीटर ने चेंज कर दिया है तो सब बड़ो कितने किलोमीटर आप लेंगे? 7 किलोमीटर का मान है तो अपन के कम है अगर एक एक को गैप चल रही है एक छोटी संख्या 7 में एक छोटी संख्या कितनी आओगी? 6। पूरे एक संख्या लिखा कितनी? 6। अब काउंटिंग उल्टी करता चलाना, छ लेके चलाना, 5 4 3 2 1 और यह आ जाएगी 0, यानी कि पूरू लेंगे उड़ते हैं कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। स्टार्टिंग आपके एक बुक आपका खाली छोड़ दिए 1 किलोमीटर में, क्योंकि बैंक चेंज करना सब के चित्र अंदर और जो पॉइंट 6 दे रखी है वो किसी दे एक टाइम है। तो स्टार्टिंग आर एक एक बॉक्स में किसी में चेंज करना पड़ो एक टाइम के अंदर चेंज करना पड़ो एक ए एन के करती हो किलोमीटर में चेंज करती हो 6 गुना किया 1 स्टार्टिंग हो गई किलोमीटर में छोड़ दियो। अब स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर के अंदर एक टाइम कितना है? 10 हुआ। 1 किलोमीटर के बराबर हेक्टामीटर कितना होगा? 10 होगा। 1 किलोमीटर के अंदर 10,000 हेक्टामीटर है तो अपन हेक्टामीटर लेना कितना है? 6 लेना है। 6 और 10 दोनों के चीज का बड़ा करा रहे 2 का बड़ा करा रहे 2 करा रहे 2 की 6 5 में 10 यानी कि ना 10 भाग ना करके मैं कितना भाग कर दूं 5 भाग कर दूं प्रत्येक भाग कितना हुआ होगा हेक्टामीटर को 2 को आओ इनका कितना भाग कर दूं 5 भाग 1 2 3 4 5 भाग कर दिया। अब प्रत्येक भाग 2 हेक्टामीटर है 2 2 4 6 2 8 2 10 10 हेक्टामीटर है यानी कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर है। अब एन प्रदर्शित करने के लिए कितना करना है 45 डिग्री कोण रेखा ऊपर डालाना 45 डिग्री की स्थिति प्रदर्शित करेगी हेक्टामीटर में। अब ए रेखा का कितने भाग कराना जितना पूरे भाग के कितना भाग करे 5 करे तो ए रेखा का 5 भाग कराना पूरे का 10 भाग करे कितना 10 भाग। अब पूरे 5 भाग करे तो 5 को भाग दिया 5 सेमी ले ली एक एक सेमी का प्रत्येक भाग कर दिया और प्रत्येक भाग में पूरी की रेखा दिया हूं मिलान कर दियो। अब ए रेखा ने पूरा कितना मान्य 0 मानी आई रेखा ए रेखा कितनी मानी 0 मानी तो आई रेखा नीचे दोबारा ये कितना कर देना 0। अब एन काउंटिंग करो फिली सेल तो कितना को गैप कर रही हुई है 1 को 1 2 को गैप 2 को है 2 एक टाइम पर 2 एक टाइम पर 2 को 2 को 2 है पूरे काउंटिंग करा के गैप कितना देना होगा 2 को 4 6 8 और कितना गैप 10 एक टाइम पर यानी कि पूरी लेके कुछ एक टाइम पर कितना गैप 10 एक टाइम पर आ गया। अब प्रदर्शित कितना होना है 4.6 किलोमीटर की अच्छी किलोमीटर है यह चीज है हेक्टामीटर में तो किलोमीटर कितना उठाना अपन 4 गुणा 4 बीच की रेखा आ रही है या 4 की आ रही है 4 नंबर की भर दो हेक्टामीटर कितना अच्छा है 6 नंबर दे दिया या 6 नंबर लिया अब 6 नंबर की रेखा ऊपर जा रही है n पर उठा दी यानी कि n और n के बीच की दूरी अब कितनी है 4.6 किलोमीटर ये बन गया 0.5 ठीक है।